ये ट्यूलिप शो जो है इट लास्ट फॉर जस्ट 1 month, 25 to 30 days, लेकिन इसमें जो फील्ड प्रिपरेशन है उस शो को प्रिपेयर करने के लिए ये इट टेक्स होल ईयर, राइट फ्रॉम हार्वेस्टिंग से लेके टिल ये जब नया फ्लावर देगा नया शो, तब से तब तक हमारा जो मैन पावर है, हमारे जो एम्प्लॉयज है लगे होते हैं. तो इट्स अ वेरी हैक्टिक जॉब और राउंड द ईयर यहाँ पे काम होता है. सोन आफ्टर द हार्वेस्ट, जैसे हमने हार्वेस्ट मई जून में स्टार्ट करना है, तो हार्वेस्टिंग में हमारे 2-2.5 महीने लगते हैं, 2 महीने से ज़्यादा. तो उसके बाद सोन आफ्टर द हार्वेस्ट हमारी लैंड प्रपरेशन स्टार्ट होती है. लैंड प्रपरेशन में सबसे पहले यहाँ पे ट्रैक्टराइजेशन वगैरह होती है, उसके बाद आपने बेड्स बनाने हैं, फिर डिज़ाइन बनाने हैं, उसके बाद आपने मैन्योर सैंड वगैरह वो इनकॉर्पोरेट करके सॉइल को बहुत फ्राइबल बनाना है, क्योंकि ट्यूलिप जो है ये एक बल्बस क्रॉप है. तो बल्बस क्रॉप होने की वजह से इसकी जो सॉइल है, सॉइल टेक्सचर है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्राइबल होना चाहिए. जितनी सॉइल अच्छी होगी उतना ब्लूम अच्छा होगा, उतनी नरिशमेंट बल्ब की अच्छी होगी और उतना शो अच्छा होगा. आप जो कि अभी भी देख रहे हैं मशीनरी लगी हुई है, मैन ऑन ऑल मैन ऑन वर्क, तो यहाँ डिज़ाइन का काम चल रहा है. बेड प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट की हुई है. तो इन इन नेक्स्ट फ्यू डेज वी आर गोइंग टू प्लांट ट्यूलिप. पहले इससे पहले जो ये घास वास घास निकालने के बाद हम ट्रैक्टर लगाए थे, एक बार नहीं कम से कम 10-15 बार लगाते हैं इसको ट्रैक्टर. ट्रैक्टर के बाद इसको गोबर भी लगाते हैं, उसके बाद खाद भी लगाते हैं, रेता भी लगाते हैं, फिर ट्रैक्टर उसके बाद लगाते हैं, उसके ट्रैक्टर के बाद और ये जो नालियाँ बनाते हैं, उसके बाद बेड वेड बनाते हैं, उसके बाद आता है बल्ब लगाने. मगर जो तैयारी जो शो के लिए तैयारी वो आज से शुरू नहीं हुआ, वो तो जून में शुरू करते हैं हम. इसलिए हम आज शुक्र अल्लाह की, अल्लाह ने हमको आज साथ दिया, आज हम शुरू किया सीड लगाने की.